इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात के दरवाजे खोल दिए हैं। जो आज हुक्मरान हैं और कल ही अपोजिशन में थे, तो इनसे इनके साथ बैठने, इनके साथ मुज़ाकरात करने, किसी भी मामले पर बैठने को तैयार नहीं थे। साजिश करने वाले इस्टेब्लिशमेंट के कोई बड़े हैं, अभी इनका ये दावत उनको हो सकती है। इन्हीं 20 सीटों से हुकूमत का फैसला हो जाएगा, इसलिए इमरान खान साहब भरपूर कैंपेन चला रहे हैं। अभी भी हमदा शहबाज को 4 वोटों की बर्तरी हासिल है। अगर वो 9 इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे तो वो चीफ मिनिस्टर नहीं रह पाएंगे। बरतानिया में भी आईनी बहरान आ गया है, वहाँ भी वज़ीर आज़म मुस्ताफी होने की तैयारी कर रहा है, ना हटना चाहे वहाँ का वज़ीर आज़म तो भी कहा जा रहा है कि काफी वक्त गुजार सकता है वो भी। बोरिस जॉनसन ने फैसला किया है कि वो अक्टूबर तक वजीर आजम रहेंगे। ये शिकायत है कि उसने जिंसी तौर पर हिरासा किया 2 अफराद को और यहाँ से बहरान का आगाज हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात और इस तनासुब में बदलती हुई सूरत हाल की, साफियों को दबाने की रियासती कोशिशों और महंगाई के एक और झटके का भी जिक्र करेंगे। खबर यह है कि हुकूमत जो तजर्बे के दावे करके आई थी, जिन्होंने बीमार मईशत को शिफा बख्शने की दवा करनी थी, इन तजर्बाकारों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। बात दवा से दुआ तक पहुँची है। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में ग्रीन और ब्लू लाइंस बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि मुल्क में बिजली की पैदावार बहुत महंगी है, अल्लाह से दुआ करें कि जल्द अज जल्द तेल की कीमत कम हो जाए ताकि बिजली और गैस सस्ती हो सके और महंगाई से तबाह हाल आवाम को रिलीफ मिल सके। हम सबको इसके लिए दुआ करनी चाहिए और अल्लाह ताला ज़रूर हमारी दुआएँ कबूल करेंगे। ये कहना था वज़ीर आज़म का। ये सच है कि दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ करना अच्छी बात है, लेकिन सवाल तो जनाब वज़ीर आज़म आपकी तजर्बाकारी का है, आपकी स्पीड का है, जिसका बड़ा चर्चा था, लेकिन अब आप कौम से दुआ का कह रहे हैं। ये जुमला अस्पतालों में उस वक्त सुनने को मिलता है जब डॉक्टर्स को अपनी बेबसी का एहसास होता है। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी जो दुआ का कह रहे हैं, दरअसल हुकूमत की बेबसी का इजहार कर रहे हैं। ये मकाफात अमल है। जब इमरान खान महंगाई को आलमी मसला कहते थे तो पूरी पीडीएम इसे पीटीआई की नाअहली नालायकी से जोड़ती थी और अब यही ढोल अपने गले में पड़ा है तो बजाया नहीं जा रहा। मुश्किल फैसलों के नाम पर रोज आवाम पर सितम तोड़े जा रहे हैं लेकिन काबू कुछ नहीं हो रहा है। ताज़ा सितम मुलाहिजा कर लें, ज़िमनी इंतखाबात के चक्कर में शोर मुफ्त बिजली का मचाया गया और सितम बिजली महंगी करके तोड़ा गया। खबर यह है कि नेपरा ने बिजली 7.90 रुपये महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एक रोज पहले ही खुर्रम दस्तगीर साहब ये फरमा रहे थे कि काबीना ने बिजली महंगी करने की मंजूरी नहीं दी। सवाल ये है कि अगर काबीना ने मंजूरी नहीं दी तो फिर बिजली महंगी करने का फैसला किसने किया? क्या हुकूमत ने इख्तियार IMF को दे दिया है जो $1 अरब के लिए तजर्बाकारों को तजर्बे समेत तिगनी का नाच नचा रहा है? एक और सितम के स्टेट बैंक ने शरह सूद भी बढ़ा दी है। तजियाकारों के मुताबिक इसके बाद नया कारोबार खोलना तो दूर की बात, जेरे तामीर सनतों को भी ब्रेक लग जाएंगे, कारोबार को जारी रखना मुश्किल तर हो जाएगा। शरह सूद के बढ़ने से रोजगार पर भी असर पड़ेगा, लेकिन तजर्बाकारों को क्या फर्क पड़ता है? उनकी पूरी तवज्जो पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात का मार्का जीतने पर मरकूज है। PTI के 5 मखसूस अरकान के नोटिफिकेशन के बाद नंबर गेम तब्दील हुई है। दूसरा, इमरान खान ने भी मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले होने का ऐलान करके हुकूमत की नींदें उड़ा दी हैं। ये मुज़ाकरात किससे हो सकते हैं? क्या पसे पर्दा को गेम ऑन हो गई है? इसी पर बात करेंगे, इसी से आगाज करेंगे। नज़ीर लगारी साहब मेरे साथ हैं और खुसूसी तौर पर आज हमें अमीर अब्बास ज्वाइन करें क्योंकि नूरुल आरफीन की तबीयत कुछ नासाज है। लगारी साहब, इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात के दरवाजे खोल दिए हैं, वो तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए, लेकिन ये भी कहते हैं जी इलेक्शन की कोई अनाउंसमेंट, जल्दी इलेक्शन की अनाउंसमेंट ये शर्त है, तो ये किस लेवल पर मुज़ाकरात की बात हो रही है? एक तो ये कि ये मुज़ाकरात के कभी भी कायल नहीं रहे हैं। इन्होंने माजी में जो आज हुक्मरान हैं और कल ही अपोजिशन में थे, तो इनसे इनके साथ बैठने, इनके साथ मुज़ाकरात करने, किसी भी मामले पर बैठने को तैयार नहीं थे और अब भी ये इनको दावत नहीं दे रहे हैं। ये जो समझ रहे हैं कि जनाब मुझे हटाया किसी और ने और मेरे ख़िलाफ़ साजिश हुई है, पहली दफ़ा आइन पर अमल हुआ और एक आइनी तरीक़ेकार से इनको हटाया गया, तो अब इनका यह है कि जी मुझे साजिश करके निकाला गया और इनका ख्याल ये है कि साजिश करने वाले इस्टेब्लिशमेंट के कोई बड़े हैं इनके साथ
उन्होंने साजिश की। अभी इनका ये दावत उनको हो सकती है कि जनाब अगर चाहते हैं तो मेरे साथ मुज़ाकरात करें, मेरी तो ये सूरत हाल हो गई है और मैं आपके लिए इलेक्शन के एक नुकाती एजेंडे पर बात करने को तैयार हूँ। तो बहरहाल ये इमरान खान साहब हैं और इनके बारे में क्या कहा जा सकता है, क्योंकि चित भी इनकी है, पट भी इनका है, और अगर ना चित गिरे ना पट गिरे तब भी इनका है, इनको कौन रोक सकता है। ये महबूब नज़र रहे हैं और अब भी महबूब नज़र हैं। ये पहले भी उनकी इनायात से और उनके करम से और आरटीएस मशीनें बिछाने से और बाकायदा एक इंजीनियर मैनुपलेटेड इलेक्शन के ज़रिए ये आए थे, और अब ये चाहते हैं कि इसी तरह का एक दोबारा इसी तरह का तमाशा हो और मुझे वैसे लाया जाए। तो मुझे नहीं मालूम है कि वो ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस तरह की गलतियाँ बार बार दोहराने की आदी है और वो इस तरह की चीज़ें कर लिया करती है और बाद में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ियाँ भी मारती है। ये भी हमने देखा है, एक मरतबा नहीं, हमने ये पिछले 50 साल में जो कोई देखा है, ये हर तरह के तजर्बे करने के और बार बार करने के और एक जगह से दो बार तीन बार चार बार जो है जक लगने के बाद भी ये तजर्बे करने से गुरेज नहीं करते हैं। हो सकता है ये तजर्बे कर लें। रही बिजली की कीमतें, तो जाहिर है ये आए हैं बड़े बादशाह लोग थे, इन्होंने तो मुल्क को बिजली देने के वादे भी किए थे और फिर पिछले साल तो ये दावे कर रहे थे कि हमारी वजह से जो है अब देखें लोड शेडिंग ख़त्म हो गई, ये हमने प्रोजेक्ट्स लगाए थे। अब वो प्रोजेक्ट्स इनसे क्यों नहीं चल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता है कि कासिम पोर्ट का जो प्रोजेक्ट है वो इनकी वजह से क्यों नहीं चल रहा है, या दूसरी जगहों पर बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं वो क्यों बंद हो गए और शॉर्टफॉल इतना बड़ा क्यों हो गया है, ये बहरहाल यही बताएंगे जो इस वक्त हुकूमत में आए हैं। और जो इन्होंने शरह सूद बढ़ाया है, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में वैसे ही आपको याद होगा हम यहाँ देखते थे कि हमारा एक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन हुआ करता था और यहाँ पर जाते थे कि मैं फलां कमेटी का हूँ, मैं फलां इलाके का हूँ, मैं फलां भाई का हूँ, मैं फलां पार्टी का हूँ, फलां का हूँ, और बाकायदा पर्चियाँ देकर आते थे। आखिर सनतकार पर्चियाँ ले लेकर बेजार आकर और उन्हें पूरा कैपिटल उठाया और चले गए, सारा सरमाया लेकर उनने बांग्लादेश में जाकर लगाया, और इस वक्त जो है बांग्लादेश एक बड़ा सनती मुल्क भी बन चुका है, तरक्की के रास्ते पर भी गामजन है, और हमारे भत्ता लेने वाले भाई जो हैं उन्होंने पाकिस्तान को कंगाल बनाया। तो मुझे अब ये लगता है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट भत्ता खाने की भी आदी थी और उसने अपने लोग पाल रखे थे, जाओ भत्ता लेकर आओ और हमें दो, तो ये होती थी सारी सूरत हाल। अब देखते हैं कि क्या होता है, इस मुल्क को कैसे संभाला जाता है। बहुत कुछ सही। अच्छा, इस पर हमने तफसील से आगे बात करनी है ब्रेक के बाद भी। ये जो बिजली कीमतें बढ़ाई गई हैं और अब मामला दुआ तक पहुंच गया है, और शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि 75 साल में कभी किसी ने नहीं सोचा मुल्क के लिए, अवाम के लिए। अभी 75 साल में कम से कम 30 साल तो पीडीएम की हुकूमत रही है, जो अब जमाते पीडीएम है, तो इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा एडमिशन है। इस पर आगे बात करेंगे। अमीर अब्बास, नंबर गेम हम देख रहे हैं पंजाब में अब तब्दील हो गई है, 5 अरकान ने हलफ उठा लिया है, नोटिफिकेशन उनका जारी कर दिया गया था, वही जो मखसूस नशस्तों पर आए थे और वो फिर उनका नोटिफिकेशन नहीं हो रहा था, फिर हाई कोर्ट ने कहा, तो उस लिहाज से अब 5 और अरकान आ गए हैं तहरीक इंसाफ के पंजाब में। अब बहुत ज़्यादा ये जो ज़िमनी इलेक्शंस हैं ये अहम हो गए हैं, ये तो ऐसे है कि फैसला कौन है, इन्हीं 20 सीटों से हुकूमत का फैसला हो जाएगा, इसीलिए इमरान खान साहब भरपूर कैंपेन चला रहे हैं। उधर हम देख रहे हैं मरियम साहबा भरपूर कैंपेन चला रही हैं, हर तरह से ऐलान की कोशिश हो रही है कि बस 2-3 महीने में सारी महंगाई ख़त्म हो जाएगी। मिफ्ता इस्माइल साहब बयान देने लगे हैं पेट्रोल जो है वो शायद $65 पर आ जाएगा और पता नहीं क्या हो जाएगा, ये उम्मीदें दिलाने लग गए हैं। आपको क्या लग रहा है, ये नंबर गेम, ज़िमनी इलेक्शन, किस तरफ जा रहा है मामला? नंबर गेम अभी भी पीएमएलएन की फेवर में है। पीटीआई और पीएमएलक्यू के इन 5 सीटों से पहले लोग बनते थे 168 जी, तो 168 में अगर आप 5 शामिल कर दें तो उनके 173 लोग बनते हैं, ठीक, जबकि हमजा शहबाज और उनके इत्तेहादी वो मिलाकर 177 है। सो अभी भी हमजा शहबाज को 4 वोटों की बढ़तरी हासिल है। अब ये जो 4 वोटों की बढ़तरी है ये और ज़िमनी इलेक्शन, तो ये 17 जुलाई के बाद जो नंबर गेम बनेगी उसके मुताबिक हमजा शहबाज को वजीर आला रहने के लिए 9 ज़िमनी सीटें हासिल करनी है। अगर वो 9 इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे तो वो चीफ मिनिस्टर नहीं रह पाएंगे। दूसरा, अगर हम तहरीक इंसाफ की और पीएमएलक्यू की बात करें तो उन्हें कम से कम 13 सीटें जीतनी है 20 में से। अगर वो 13 सीटें जीत लेंगे तो वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए
हमजा शहबाज को हटा सकते हैं, या अगर इलेक्शन होता है चीफ मिनिस्टर का दोबारा तो सूरत में भी हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर कानूनी तौर पर और आईनी तौर पर नहीं बन सकेंगे। सो इस वक्त पीटीआई के लिए ज्यादा टफ कॉम्पिटिशन है कि उनको 13 सीटें जीतनी है कम अज कम, और हमजा शहबाज के लिए निस्बतन आसान है कि उनको 9 सीटें जीतनी है, और वो 9 सीटें जीत सकते हैं। 20 में से 9 सीटों का तनासुब जो है वो 50% से कम बनता है। सो सिटिंग गवर्नमेंट जो है वो जितनी भी गई गुजरी हो उसको इतना एज मिल जाता है कि वो ज्यादा नहीं तो कम अज कम 45-50% सीटें हासिल कर सके। बिल्कुल तारीख बताती है अमीर अब्बास, मैं आपसे एग्री करता हूं, मगर हमने पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ऐसे हालात भी नहीं देखे, इस तरह से लोड शेडिंग, इस तरह से बेरोजगारी, इतनी ज़्यादा महंगाई 3 महीने में नहीं देखी, और कमज़ोर हुकूमत भी है, मखलूत हुकूमत भी है, इसके कुछ असरात नहीं होंगे? जी बिल्कुल होंगे। देखिए दो चीज़ों के असरात होंगे, एक इमरान खान के बयानिए का असर है, उस बयानिए के ऊपर वो एक अलहदा बहस है, हम उस पर नहीं जाते कि वो बयानिया ठीक है गलत है, लेकिन वो बयानिया मौजूद है। इमरान खान ने बड़ी कामयाबी से अपने अपने प्रोपेगेंडा की ताकत के जरिए से उस बयानिए को पाकिस्तान के एक आम आदमी, एक देहाती, एक मजदूर, एक किसान, खेतों में काम करने वाला शख्स, उसके दिल तक उस बयानिए को उतारा है। एक बयानिए का असर है, दूसरा इस हुकूमत की कारकर्दगी। इमरान खान के पास दो चीजें हैं, यानी दो हथियार हैं, एक उनका वो उनका बयानिए का हथियार जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरा वो हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं कि इस हुकूमत ने मुझे निकाल दिया तो बहुत अच्छी बात है, निकाल दिया, मुझे निकाल के इन्होंने क्या कमा लिया, इन्होंने क्या दे दिया मुल्क को? अगर ये डिलीवर कर देते तो इमरान खान का निकाले जाना तारीख उसको माफ कर देती, या तारीख उसको तस्लीम कर लेती, या तारीख उसकी सताइश करती। लेकिन जब से ये आए हैं, आप अपनी जमहूरी कदरें देख लें, वो फासिज्म में तब्दील हो रही है। आप शहबाज शरीफ की कैबिनेट देखें, कहां क्या करते थे ये इमरान खान, शहबाज शरीफ की कैबिनेट को मेरा ख्याल 60 के करीब पहुंच चुकी है। जी ऐसा ही है, शायद पाकिस्तान की बड़ी कैबिनेट बन चुकी है। फिर ये जो कुछ साथियों के साथ कर रहे हैं वो आप रवैये देख लें इनके। फिर नवाज अच्छा। शरीफ के पास, यानी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अपनी काबीना को उठा के एक एब्सकॉन्डर के पास पहुंच जाता है लंदन में। जी जी। सो इनकी इनके ऑप्टिक्स देख लें, वो भी इंतहाई नाकाम तरीन ऑप्टिक्स है। महंगाई एक इशू है, लोड शेडिंग एक इशू है, लोड शेडिंग इन्होंने कहा 1 मई को खत्म हो जाएगी, फिर कहा 1 जून को खत्म हो जाएगी, फिर कहा 1 जुलाई को हो जाएगी, अब कह रहे हैं 15 जुलाई को होगी। तो इनको 3 महीने हो चुके हैं। जी जी। और मैं गुजारिश कर देता हूँ, हाँ जी, आप ये पक्की खबर है कि जी एलएनजी के वो नहीं मिल सके टेंडर इनको, 10 इन्होंने कोशिश की थी लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आया, तो अब ये सितंबर तक के लिए जो कोशिश थी तो वो नहीं हो सका। और अब इसका दूसरा मतलब आप ये ले लें कि वो पावर प्लांट्स को गैस नहीं मिलेगी और उसकी वजह से फिर लोड शेडिंग होगी। अब जिस तरह आपने जिक्र किया अमीर अब्बास, पाकिस्तान में साफियों के साथ जो कुछ हो रहा है, मैंने कल के प्रोग्राम में लगारी सबर्स किया था कि ठीक है माजी में भी था, हमने सुना है और जो पढ़ा है कि जी जियाउल हक साहब का जो दौर था वो सबसे ज़्यादा जबर का दौर था, तो अमरीत से कहा जाता है हमने सीखना है, उस दौर में नून लीग बनी थी, उस दौर में यानी हमने देखा पॉपुलर हुए मियाँ साहब, कहाँ से कहाँ वज़ीर से फिर वजारत आला और फिर वज़ीर आज़म तक का सफ़र, तो कुछ चीज़ें शायद उन्होंने सीखी हैं, या जो हम कहते हैं सबक सीखे अमरीत से, वो सबक ये सीखा जाता है कि जनाब साफ़ी को पकड़ो और पूरे पाकिस्तान में कोई 30-40 मुकदमे बनाओ। अब चूंकि वो सिरहिन खिलाफ वर्जी होती है, वो मतलब उसमें प्रोनोग्राफी का भी वो शिक डाल दी हुई है कि जनाब इमरान रियाज ने ये भी किया वो भी किया, अच्छा ना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बता रहा है कि जी अच्छा था क्या वीडियोस में ऐसा कि जी किसके खिलाफ बात की, वो कहते जी बस आए मैं शायद पता ही नहीं, बस जी की थी, FIR में कुछ नहीं बताया जी इदारे के खिलाफ बात की थी, वो बात थी क्या, जुमले क्या थे, किसी को कुछ नहीं पता कि जुमले क्या थे क्या नहीं था। तो वो एक जगह अटक अदालत कहती है, पहले तो वही हम देखते रहे इस्लामाबाद की नहीं है जी जुडिशन, फिर अटक की नहीं है जी, अटक अदालत कहती है मैं नहीं दे सकता, फिर आगे पिंडी, पिंडी से वापस जनाब अटक, अटक से जनाब रिलीफ मिलता है और चकवाल की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। ये 130वें नंबर पर हमारा अदालती निज़ाम लगारी साहब ऐसे तो नहीं है, ये हाल रहा तो मेरा ख्याल 200 नंबर पर चला जाएगा। इसमें मेरे ख्याल में हमें रिकॉर्ड को भी देखना चाहिए, आपने ठीक कहा है कि जनरल ज़िया का दौर तो एक तारीख तरीन दौर था, और हमने भी हवालात की सैर की थी सहाफत के जुर्म में, लेकिन जनरल मुशर्रफ के दौर में एक ही दिन एक ही शाम को
300 से ज़ायद कराची शहर में 300 से ज़ायद जर्नलिस्ट गिरफ्तार हुए थे। और अब जो हो रहा है वो ज़्यादती की इंतहा है, यानी कि लोगों को किस तरह से घेर कर गिरफ्तार किया जा रहा है या उन पर मुकदमात बनाए जा रहे हैं। और मुझे इस दफ़ा बेबसी लग रही है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की, जो लोगों को घेर लिया करती थी, जो लोगों को फंसा दिया करती थी, जो लोगों के वो ऐसा समझती थी कि ये सब कुछ मेरे लिए बच्चों का खेल है, अब डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट निशाने पर है। और उस पर चंद वो लोग हैं जो माजी में हम हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के और पाकिस्तान के सियासी अमल में गैर सियासी अनासर की मुदाखलत के ख़िलाफ़ हुआ करते थे, अब वो लोग हैं जो हमेशा गैर सियासी अनासर के हामी रहे, उनके साथी रहे और उनके साथ रहे, अब वो उनके ख़िलाफ़ हो गए हैं और अब वो चाहते हैं कि नहीं अब मुदाखलत नहीं होनी चाहिए अस्करी इदारों की, वो सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। ये तो शानदार बात है और वो लोग करें जिनसे हमें कभी तवक्को नहीं थी, जिनकी लिस्ट भी सामने हमारे आती है वो सारे लोग वो हैं जो माजी में इस्टेब्लिशमेंट के हरामल दस्ता बनकर सहाफ़ियों पर भी और सियासत पर भी हर चीज़ पर हमला आवर हो जाया करते थे, इस मरतबा वो इस्टेब्लिशमेंट पर चढ़ गए हैं और उसके ऊपर उसको अब लग रहा है कि तिगनी का नाचना चाह रहे हैं। हम इस बात से खुश हैं और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि ऐसा हो रहा है। अच्छा। लेकिन ये नहीं है कि ये पहली मरतबा हो रहा है, ये तो ज़ाहिर महबूब नज़र थे, ये प्यारे लोग थे, अजीज़ लोग थे, जान जिगर थे, बहुत ही प्यारे थे, अब ये लपेट में आए हैं। पहले तो हमेशा ये बहुत ही आराम से सुकून से प्यार से सिर्फ एक ही किरदार अदा करते थे, वो हरावल दस्ता बन जाते थे उनका इस्टेब्लिशमेंट का और बाकी अच्छा। लोगों पर हल्लाशेरी होती थी, अब ये खुद उसके शिकार हो रहे हैं। हमें इनके साथ हमदर्दी है इसलिए कि बहुत बुरा वक्त हमने देखा है माजी में और हम अब भी इसको अच्छा नहीं समझते हैं कि अगर कोई सहाफत कर रहा है और सहाफत के टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है तो आप उसकी आवाज़ को दबा नहीं सकते। आपने कोई ऐसी हद आइन की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की है, ना किसी ने भी नहीं खिलाफ वर्जी की है। अगर आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं तो उसका जवाब होना चाहिए। अच्छा। यह कोई तरीका नहीं है कि आप पाकिस्तान के 50 थानों में मुकदमा दर्ज करवा लें और फिर कहें जाओ जमानत कराते फिर। अब ये एक अमीर अब्बास टेस्ट केस बन चुका है। एक आम पाकिस्तानी देखता है कि इमरान रियाज एक साफ़ी, एक मतलब उसका कैरियर मेरे सामने है, मेरा बड़ा ज़बरदस्त कुलीग, एक भाई, 15 साल से ज़्यादा सहाफ़त का, एक रिपोर्टर से उसने आगाज़ किया, सहाफ़ती तंजीमों का रुकन, उसकी मेंबरशिप है, फिर भी बहस हो रही है जी वो साफ़ी है या नहीं है, जी वो एंकर है फलाना, एक तो अजीब ये भी हमारे यहाँ शुरू हो गया। लेकिन उसके देखें आप यूट्यूब पर देखें सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला बंदा, ट्विटर पर आप फॉलोअर्स देखें, तो एक नौजवानों की एक आवाज़ बना और अब वो देख रहे हैं कि यहाँ अगर इसके साथ ये हो रहा है, यानी इसका मतलब है किसी भी शख्स है अगर वो कोई सवाल करेगा और कोई उससे नाराज़ हो गया है, ताकत में बैठा कोई भी, तो आप बच नहीं सकते, एक आम आदमी को तो छोड़ ही दें, वो तो यहाँ से परसेप्शन देख रहा है और पूरे कानून और इंसाफ के निज़ाम का, जिसमें मुद्दई भी है, जिसमें पुलिस भी है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन भी है, जिसमें प्रोसिक्यूशन भी है, जिसमें जजेज हैं, अदालत है, सब शामिल हैं, तो देख रहे हैं कि ये तो एक अजीब मजाक है कि कितने केसेस एक अदालत कहे जी यहाँ नहीं वहाँ जाओ, वो कहे नहीं वहाँ नहीं वहाँ जाओ, वो कहे जी वापस जाओ, और फिर आखिरकार रिलीफ मिलता है, रात 4-4 बजे तक ये अदालतें लगी और उसके बाद पता चल रहा है कि नहीं जी दूसरी भी पुलिस आई हुई है वो गिरफ्तार कर लेगी, अब चकवाल की पुलिस है, अब अगर वहाँ से भी कई दिन बाद रिलीफ मिलेगा जी अब अगली है, अब ईद की छुट्टियाँ हैं, अब जी अगली है, अच्छा रात को उसको लेकर जाओ ताकि वो सो ना सके, सारी रात को सफ़र करवाओ, नई पुलिस आ जाएगी, वो हथकड़ी उसने तैयार रखी हुई है। ये अब आप देखें कि एक जो हमारा मुल्क का मुस्तकबिल है, जो नौजवान हैं वो ये सब देख रहे हैं, आप सोशल मीडिया को उठा कर देखें, वो इस पर राय दे रहे हैं, आप लाख कहें कि जनाब ये बड़ा इंसाफ, बड़े तरीके से हमने केस बनाया है, नून लीग उसको ऑन कर रही है, हुकूमत ऑन कर रही है, लेकिन ये पाकिस्तान के इमेज दुनिया में, खैर जिस तरह IMF ने अब कनपट्टी पर पिस्तौल रख के कहा है ना कि एंटी करप्शन के भी कानून बनाओ, ये काम भी करो, उस तरह इंटरनेशनल तंजीमें कह रही हैं कि जी आपके यहाँ तो साफियों के साथ ही होता है, क्या खाक आज़ादी है आपके यहाँ, तो हमारा क्या इमेज रहेगा दुनिया में और मुल्क में, हमारे बच्चों को हम क्या दिखाएंगे, नौजवानों को क्या सिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? सामो मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि जब हम इमरान रियाज की बात करते हैं तो हम अपोलोजेटिक होकर बात क्यों करते हैं, हमें ये बात करने की क्यों जरूरत पेश आ रही है कि इमरान खान एक सहाफी है और उसको तनकीद करने का हक है, भाई वो शहरी है पाकिस्तान का, छोड़ दे उसकी सहाफत और उसके सहाफी होने को। सही बात,
पाकिस्तान के हर शहरी को हक हासिल है हुकूमत के गरेबान पर हाथ डालने का, सवाल करने का, महासभा करने का। क्या मुझे अपनी हुकूमत से सवाल करने के लिए सहाफी होना पड़ेगा? क्या मुझे अपनी हुकूमत का महासभा करने के लिए DGISI होना पड़ेगा? क्या मुझे अपनी हुकूमत का महासभा करने के लिए तुरंत हाल होना पड़ेगा? क्या मैं पाकिस्तान के शहरी होने की हैसियत से तनकीद नहीं कर सकता हुकूमत पर? हम क्यों नहीं बता रहे लोगों को कि इमरान रियाज खान के खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि वो इस हुकूमत पर और इस मुल्क के मुख्तलिफ इदारों पर तनकीद कर रहा है? क्या तनकीद का हक नहीं देना आपने? तो लिख देना फिर आर्टिकल 19 को अमेंड कर दे, हमेशा हमेशा के लिए तमाशा बंद कर दे इस मुल्क में। लिख दे कि आज के बाद जो भी जो है वो समा खराशी करेगा इस मुल्क के ताकत पर तबकों की उसकी जबान काट दी जाएगी। लिख दे कि आज के बाद जो भी बोलेगा, जो भी सवाल उठाएगा, बहुत वैलिड आर्गुमेंट है, बहुत वैलिड आर्गुमेंट है आपका मीर अब्बास। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है और फिर इस हुकूमत की कारकर्दगी जिसके लिए आई थी महंगाई मुकाओ के लिए उसका जायजा लेंगे कि कहा गया कि जी मंजूरी नहीं दी गई काबीना की तरफ से बिजली बढ़ाने की और फिर बिजली बम गिराया गया, ये हो क्या रहा है? ब्रेक के बाद। अब पता चला, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऐलानात और उनके खिताबात बड़े दिलचस्प होते चले जा रहे हैं। एक तो उन्होंने नई बस सर्विसेज का इफ्तिताह किया इस्लामाबाद में और शाबाश देनी चाहिए, 3 महीने में उन्होंने खरीद भी ली, पूरा डिज़ाइन भी कर लिया और अब उसका सेहरा ज़ाहिर है वो अपने सर लेंगे। लेकिन साथ कह रहे हैं जी 75 साल में किसी ने आवाम के लिए, मुल्क के लिए सोचा ही नहीं। अब ये मुझे समझ नहीं आई कि 75 साल में ज़्यादा अरसा, सबसे ज़्यादा अरसा जो हुकूमत रही है वो नून लीग या पीपल्स पार्टी की रही है, जमहूरी हुकूमतों में, जमहूरी की अगर बात करें, बाकी तो अमलियत का ज़्यादा वक्त है। तो क्या इन 75 सालों में लगभग जो 30 साल इन PDM में, जिसमें MQM भी है, जिसमें मौलाना साहब भी हैं, जिसमें अवामी नेशनल पार्टी भी है, जिसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी है, काफ लीग भी है, ये भी रही हैं हुकूमतों में, तो लगारी साहब अब इनका तोहफा ये है कि काबीना ने मंजूरी नहीं दी थी कि जी बिजली महंगी की जाए, लेकिन उसके बाद, और ये खुर्रम दस्तगीर साहब ने फरमाया था, और अब 7.90 रुपये बिजली महंगी कर दी गई, और एहसान ये है कि बिजली की कंपनियां कह रही थी कि 13.89 रुपये यानी तकरीबन 14 रुपये इजाफा किया जाए, लेकिन नेपरा ने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, ये तो बड़ा जुल्म हो जाएगा, हम तकरीबन 8 रुपये इजाफा कर देते हैं। और ये तब हो रहा है कि जब कहा गया था 100 यूनिट, जी 100 यूनिट इस्तेमाल कर लो, बिजली मुफ्त देनी थी, और वो तो इलेक्शन कमीशन आड़े आ गया 17 तक ये आप काम नहीं हो सकता, शायद उसके बाद हुकूमत रही तो हो जाए। तो ये तो ये इमरान खान ने इनको कहा है करने के लिए, ये किस लिए किया है? फिर आपका ख्याल है कि कीमतों का तायुन ओगरा या नेपरा ये लोग करते हैं, ये जो हमारे पर बने हुए हैं खुद मुख्तार इदारे, ये करते हैं तायुन? आप जाकर रिकॉर्ड की तरफ से जाए ना, ये जो पेट्रोल की कीमतों का तायुन है वो मालकों का इदारा करता है, ये हुकूमत सिर्फ ऐलान करती है। जो बीच में ओगरा का नाम लिया जाता है, ओगरा को तो पता ही नहीं होता है, सफारशात जो है वो मालकान बनाकर देते हैं, उसके मुताबिक कीमतें बढ़ाई जाती हैं। ये प्रैक्टिस ये नहीं है कि इन्होंने आज शुरू किया, इमरान खान के दौर में भी यही होता रहा है। ये जो अपना आयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और दीगर इदारों से जब तफसीलात मांगी गई थी, और जिसने तोशाखाना की तफसीलात मांगी थी जिस जर्नलिस्ट ने, उसी जर्नलिस्ट ने जो है ये तफसीलात मांगी कि जनाब ये कीमतों का तायुन किस तरह किया जाता है, सरकारी तौर पर लिख कर ऑन द रिकॉर्ड ये बताया गया कि ये मालकान की तंजीम करती है इसका फैसला, ये नहीं बताया कि ओगरा करता है, आयल एंड गैस रिफाइनरी अथॉरिटी नहीं करती है, जो ये जो हमारे मुल्क के अंदर कहा जाता है कि ये खुद मुख्तार इदारा है जो तेल और गैस की कीमतों का तायुन करता है, नहीं करते। इसी तरह से ये बिजली की कीमतों का आपका ख्याल है कि ये हमारी हुकूमतें करती हैं? भाई ये जो है मालकान करते हैं, और ये इनकी अंडरस्टैंडिंग है, चाहे वो किसी की भी हुकूमत हो। एक दफ़ा 2013 या 2014 में मना किया गया था, लेकिन उसके बाद में आने वाली हुकूमत ने उसको लागू कर दिया था, और ये सिलसिला चल रहा है। ये इदारे खुद ही मालकान बैठकर फैसले करते हैं और हुकूमतें उस पर अमल करती हैं। इसमें किसी हुकूमत को ये नहीं है कि ये हुकूमत करती थी, ये हुकूमत नहीं करती थी, ये वही करते हैं जो उनको कहा जाता है। मालकान का नुमाइंदा आकर साबिक काबीना में बैठ गया था, और वो उनके तमाम मफादात का, खुद इन्होंने कहा कि वो उनके मफादात की निगहबानी कर रहा था नदीम बाबर, क्या कर लिया था इन्होंने उसे, और क्या उन्होंने पकड़कर इनको बिठा दिया था कि भाई ये तुम क्या करते रहे हो अब तक?
खुद वज़ीर-ए-आज़म कहते थे कि माफिया मेरे सारे के सारे जो महंगाई कर रही है, ये सारे मामला जो है माफिया कर रहे हैं, तो माफिया तो साथ बैठी हुई थी, ये कुछ दाएं कुछ बाएं, आज भी वही बैठी हुई है, माफिया ही सारा काम करती है और सारे के सारे माफिया से ही पूछ कर सारे फैसले किए जाते हैं। तो मुल्क में जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है माफिया को होता है, और माफिया किसी किसी नादीदी शख्सियत का नाम नहीं है, कोई ऐसी एंटिटी नहीं है जिसको आप पहचान नहीं सकते, जिसका इंटरेस्ट है उसके अंदर वो माफिया है। जो गंदम की पैदावार से या गंदम की कीमतों से फ़ायदा उठाए वो माफिया है गंदम की, जो चीनी से फ़ायदा उठाए वो चीनी की माफिया है, जो पेट्रोल से फायदा उठाए पेट्रोल की माफिया है, जो बिजली से फ़ायदा उठाए वो बिजली की माफिया है, ये जो आई पी पीज हैं इनको जो फ़ायदा पहुँचाया जाता है वो किस तरह पहुँचाया जाता है। ठीक भाई, इसी के लिए हमारी हुकूमतें इनकी खिदमत के लिए आती हैं। यहाँ पर गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई, गवर्नर हाउस में, या आज से मैं पहले पहले की बात बता रहा हूँ, तकरीबन कोई 18-19 साल पहले की बात बता रहा हूँ, गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई के इलेक्ट्रिक के मामलात पर गौर करने के लिए, रिचर्ड हार्ब्रुक ने सदारत की और रिचर्ड हार्ब्रुक ने कहा कि के इलेक्ट्रिक पर कोई तनकीद नहीं करेगा, कोई मीडिया ग्रुप तनकीद नहीं करेगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी तनकीद नहीं करेगी, और के इलेक्ट्रिक जो फैसला करेगा उसका फैसला माना जाएगा। ये ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें थीं, हमें वहाँ उस इजलास में मौजूद लोगों ने बाहर आकर बताया, अंदाजा लगाया, और हमने जो कुछ कर सकते थे, जो जितनी आवाज़ निकाल सकते थे निकाली, लेकिन हमारी आवाज़ से क्या होता है जब ऊपर से बंद कर दिया जाए, स्विच कर दिया, भाई के इलेक्ट्रिक के बारे में कोई खबर नहीं जाएगी जी, बस नहीं जाएगी जी, नहीं जाती थी तो के इलेक्ट्रिक तो आज भी हमारे साथ। हाँ जी, के इलेक्ट्रिक तो पहले ही 9 रुपए 42 पैसे उसके लिए इजाफा वैसे ही हो चुका है फी यूनिट में। अब अमीर अब्बास, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी 75 साल में मुल्क का अवाम का किसी ने नहीं सोचा, और ये अब हमें सोलर पर जाना है, हम सहूलत देंगे, 1 अगस्त को कोई सोलर के लिए एक पॉलिसी आ रही है कि हम सस्ते कर्जे देंगे लोगों को कि एक आम आदमी वो भी घर पर सोलर लगा सके। तो ये साहिवाल का एक कोल प्रोजेक्ट है जो नून लीग के दौर में ही लगा, 30 रुपए फी यूनिट, कोयला भी इंपोर्ट करना है, तो ये आईपीपीस किसने लगवाए? तो पहले इनको क्यों नहीं ख्याल आया, आज इनको सोलर का ख्याल आ रहा है, 75 साल में पहले क्यों नहीं सोचा? यानी 20-25 साल तो इन्होंने हुकूमत की है ना, जो मौजूदा लोग हैं, तो ये कहते हैं जी 75 साल में नहीं सोचा, गलती हुई, तो पहले उसको एडमिट तो करें कि हम भी 30 साल रहे हैं लेकिन हमने कभी नहीं सोचा आवाम के लिए, मुल्क के लिए, और आज हम सोच रहे हैं लेकिन सोचते हुए मजबूर हैं कि 8 रुपये फिर भी बिजली की कीमत बढ़ा देनी है। अब तेल पर कस्में खाई जा रही हैं कि मरीम साहब कह रहे हैं जी शहबाज शरीफ ने कहा है, $1 भी नीचे आया तेल, और दुआओं का कह रहे हैं, दुआ करें कि तेल की कीमतें नीचे आ जाएं, दुआ करें। भाई आपकी हुकूमत आई थी $125 पर था फी बैरल, आज 100 से भी नीचे चला गया है, लेकिन कीमतें तो आसमान पर जाती चली जा रही हैं, और अब भी कमिट नहीं कर रहे कि जनाब हम कीमतें नीचे ले आएंगे। 40 रुपये अभी इन्होंने पेट्रोल लेवी मजीद अभी लगानी है, टैक्स GST और लगाना है, आएं बाएं शाएं कर रहे हैं, कोई कमिटमेंट नहीं कि हम भी सस्ता कर दें तेल। 81 में पहली बार नवाज शरीफ पावर में आए, 1981 में जब वो एक्साइज एंड टैक्सेशन के मिनिस्टर बने, फिर वो फाइनेंस मिनिस्टर बने पंजाब के, फिर वो चीफ मिनिस्टर बने, हाथ तो ये हुई कि वो इंटरिम चीफ मिनिस्टर भी थे और वो फिर चीफ मिनिस्टर भी बने बाद में, यानी इलेक्शन हो रहा था, वो इलेक्शन लड़ रहे थे, वो चीफ मिनिस्टर थे, इंटरिम चीफ मिनिस्टर थे और चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन लड़ रहे थे। 1981 से लेकर 1993 तक मुसलसल 12 साल 12.5 साल नवाज शरीफ पावर में रहे, वो एक हल्ले की आपको बात बता रहा हूं। उसके बाद फिर 97 से लेकर 99 तक, फिर 2013 से लेकर 2017 तक, 18 तक उनकी पार्टी, 12.5 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं शहबाज शरीफ, 12.5 साल जी। पाकिस्तान के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हैं पाकिस्तान की 75 साल तारीख के, मजमुई तौर पर इनका जो अरसा इक्तदार है वो आप 1981 से लेके आप आज तक देख लें। इसी तरह पीपल्स पार्टी, भुट्टो साहब का दौर तो चले बहुत ही टर्मोइल वाला दौर था, उनको नहीं चलने दिया गया और हालात थे, पीपल्स पार्टी भी 88 से लेकर और तकरीबन 23 से 24 साल तो पीपल्स पार्टी का सिंध में रूल है, सिंध में मुमताज भुट्टो के बाद से लेकर सिंध में पीपल्स पार्टी का 23-24 साल का रूल है, जिसमें से ये 14 साल का मुसलसल रूल है। सो बाबा फिर ये किस, फिर वो कौन है, फिर वो मुजरिम कौन है इस मुल्क का, वो कौन है जिसने इस मुल्क में तरक्की नहीं होने दी? हाँ
आप परवेज मुशरफ को भी इसमें शामिल कर लें, आप इसमें ज़ियाउल हक की आमरियत को भी शामिल कर लें। सो आप भी बड़ी जिम्मा तो नहीं है ना इससे, आप इसमें चले इमरान खान के भी 3.5 साल डाल दें कि उसने भी बेड़ा गर्क किया, तो आप बड़ी जिम्मत, आप सवाल किससे करते हैं? शहबाज शरीफ साहब, आप और आपके आज के इत्यादी, आप सब पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम रहे हैं, आप पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन नहीं रहे। जहां तक ये साहिवाल कोल पावर प्लांट की बात है उसामा, 2016 में जब ये पावर प्लांट बन रहा था और तकरीबन इसका इफ्तिताह होने वाला था, तो मैंने वहां जाके प्रोग्राम किया था बड़ी तफसील से, और इस पूरे पावर प्लांट को हमने कवर किया था। हमारे लिए उस वक्त भी ये चंबे की बात थी कि कोल आप इंपोर्ट करेंगे जी, और बजाय ये कि आप इस पावर प्लांट को जिसने कोल पर चलना है, आप उसको कहीं साहिल समुद्र के करीब लगाएं, कराची में, हैदराबाद में, ठट्टा में, वहां कहीं लगाएं, आप वहां से कोल लेकर आएंगे साहिवाल, और यहां लाके आप उस कोल से बिजली बनाएंगे जी, उस वक्त इनके पास दलील ये थी कि चूंकि पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ा बिजली का बहरान छोड़कर जा रही है, सो हमारे पास शॉर्टेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन ये है कि हम इस किस्म के पावर प्लांट्स लगाएं ताकि हम कौम को बिजली दे सके। तो मैं उनकी इस लॉजिक को बाय करता हूं, मैं समझता हूं कि उस वक्त वो जो फैसला था, हाँ उस पर बहस हो सकती है कि अच्छा। वो महंगा था, सस्ता था, लेकिन अगर आप उस बहरान से निकलना चाहते थे तो आपके पास फौरी तौर पर इसके अलावा कोई और हल नहीं था कि आप जैसे तैसे ये बिजली के मंसूबे लगाते हैं, वो भले कोल पे लगे भले ठीक। वैसे थर हमारे पास है, उसमें हमने देखा इतनी ज्यादा, हाँ उसकी वजह से इतना जी तरक्की हो रही है, या अपना कोयला हम इस्तेमाल करके गैस बना रहे हैं, इस तरह अपने वसाइल पर अगर निसार किया जाता तो शायद आज हम इस हाल में ना होते कि जनाब अब दुआ करें जी तेल सस्ता हो जाए, दुआ करें ही हो जाए। तो ये अगर इतना ही फिर दुआओं का काम है तो वाकई फिर आप अपोजिशन में बैठ के भी दुआ किया करते हैं और तेल सस्ता हो जाएगा, फिर तो कोई इतने ज़्यादा कोई गोरख धंधा नहीं है ऐसा कि फिर तो कोई भी इसको सस्ता कर सकता है। बल्कि मैंने जिस तरह किया कि $25 तो पहले ही इनकी हुकूमत में नीचे आ चुका है, लेकिन एक रुपये का अभी तक आवाम को फ़ायदा नहीं पहुँचा। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बरतानिया की बात करेंगे जी, जहाँ बड़ी ज़बरदस्त डेमोक्रेसी है, वहाँ पर बहरान आया है और किस तरह वहाँ पर वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा देना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद पता चला। पाकिस्तान ने बहुत अरसा बरतानवी राज के नीचे गुजारा और हमारे आज भी कवानीन जो हैं बहुत से ऐसे हैं जो वहीं के उसी दौर के भी चल रहे हैं। लगारी साहब, अब तो बरतानिया में भी आइनी बहरान आ गया है, वहाँ भी वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी होने की तैयारी कर रहा है, इस्तीफ़ों की भरमार हो चुकी है, अवामी गैज़ो गज़ब भी है, लेकिन फिर भी अगर ना हटना चाहे वहाँ का वज़ीर आज़म तो भी कहा जा रहा है कि काफ़ी वक्त गुजार सकता है वो भी। जी हाँ, वो अभी भी आज सुबह था कि वो इस्तीफ़ा दे रहा है, लेकिन इस्तीफ़ा नहीं दिया, और बोरिस जॉनसन ने फैसला किया है कि वो अक्टूबर तक वज़ीर आज़म रहेंगे। और ये बहरान जो है, ये सियासी बहरान अखलाकी बहरान से शुरू हुआ। क्रिस पेंचर हैं डिप्टी चीफ वहप हुक्मरान जमात के, उनकी तरफ से एक अखलाकी मामले पर जो है ये बहरान का आगाज़ होता है। दो बंदों को, मर्दों को ये शिकायत है कि उसने जिनसी तौर पर हरासा किया दो अफराद को, और यहाँ से बहरान का आगाज़ हुआ जो आए हर रोज़ एक शदीद से शदीद तर होता गया। यहाँ ये मामला भी हुआ कि वज़रा ने इस्तीफ़ा देना शुरू कर दिया और ये कहते रहे कि भाई ये क्या मसला है, इसको क्यों नहीं हल करते हैं। तो वज़ीर आज़म स्टैंड कर रहा था कि नहीं, मेरा डिप्टी चीफ वहप जो है वो रहेगा, उसी ने रहना है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, और वो स्टैंड करते रहे। वज़रा ने इस्तीफ़ा देना शुरू कर दिया और अब तक 50 वज़रा जो हैं वो रिज़ाइन कर चुके हैं, और उनके रिज़ाइन करने के बाद भी जो है बोरिस जॉनसन ने ये आज ये इंडिया दिया है, बल्कि उन्होंने टोरी पार्टी की सरबराही से इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन वज़ीर आज़म के मनसब से इस्तीफे के लिए अक्टूबर का वक्त रखा है, क्योंकि अक्टूबर में टोरी पार्टी अपने नए सरबराह का इंतखाब करेगी। जब नए सरबराह का इंतखाब होगा तो जाहिर है उसकी जगह पर ये नहीं रहेंगे बोरिस जॉनसन, इनको हटा दिया जाएगा। ये कई मरतबा इस इस्तीफे के जद में आए हैं, लेकिन इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। असल बात यह थी कि ये ब्रेग्जिट के चैंपियन बनकर आए थे, लेकिन ब्रेग्जिट से कोई फ़ायदा हासिल होना था बरतानिया को अब तक हासिल नहीं हो सका है, और ब्रेग्जिट के मुखालफीन को अगरचे बहुत ज़्यादा मुश्किल उठानी पड़ी,
और खुद बरतानवी जो लेबर पार्टी थी वो भी मुश्किलात में आई, लेकिन इसका फ़ायदा बरतानिया को नहीं हो सका है, जिसकी वजह से ये बहरान संगीन से संगीन तर होता जा रहा है। अच्छा अमीर अब्बास, क्योंकि पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट निज़ाम है वो बरतानिया से काफ़ी मिलता जुलता है और उसी तर्ज पर यह भी बना, वहाँ भी वज़ीर आज़म है, काबीना है, लोअर हाउस है, अपर हाउस है, वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, यहाँ सेनेट है, लेकिन इस सारे टर्मोइल में ये जो हम देख रहे हैं इसमें ना एस्टेब्लिशमेंट का कोई उस तरह किरदार नज़र आ रहा है, ना कोई लोटे नज़र आ रहे हैं, ना कोई सिंध हाउस या कोई लाहौर का कोई होटल नज़र आ रहा, ना मरी, ना वो छांगा मांगा वो उस तरह की सियासत नज़र आ रही, कोई बोलियाँ नहीं लग रही, कोई हॉर्स ट्रेडिंग की ज़रूरत नहीं, लेकिन बहरान वहाँ भी है, तो पाकिस्तान में तो और ही तर्ज के बहरान चल रहे हैं। मैं उसको बहरान नहीं समझता, मैं उसको खूबसूरती समझता हूँ। मैं उनकी जमहूरियत की खूबसूरती समझता हूँ और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जैसी दुनिया की तरक्की पजीर कौमों को बरतानिया की कौम का जूठा खाना चाहिए ताकि हमारे यहाँ भी इस किस्म के बहरान आ सके, हमारे यहाँ भी इस किस्म के गैरतमंद सियासतदान हो सके जो अपने ही वज़ीर आज़म से सवाल कर सके, हमारे यहाँ भी ऐसी कौम पैदा हो सके जो अपने वज़ीर आज़म की इंतहाई मामूली सी खता बरतानिया के अंदर ओवर स्पीडिंग ज्यादा बड़ा जुर्म होगा जिस जुर्म का इल्जाम बोरिस जॉनसन पर लगा है। क्या जुर्म है? कि कोविड के दिनों में गेट टुगेदर के ऊपर पाबंदी थी और इसने 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे पार्टी की और उस पार्टी में शामिल किया। यार ये कोई जुर्म है हमारी नजर में, हमारे जैसे उसूलों के मुताबिक यदि वज़ीर आज़म का लिए कोई जुर्म है? हम तो इतने बड़े बड़े भयानक जरायम टिकार मार जाते हैं उनके ऊपर। हमारे बुजुर्ग हमारा हुक्मरान तबका, हम उनके इतने खौफनाक जरायम को निगल जाते हैं, पी जाते हैं, हम सवाल नहीं करते उनसे। ये अभी जो कुछ हो रहा है इस वक्त, जो गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से ये साफियों के मामले में, वहां मामूली सी कानून की खिलाफ वर्जी उसने की है, मामूली सी। और आपको याद होगा कि जिस वक्त इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, कोविड आया जब, तो गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी गेट टुगेदर के ऊपर और पाबंदी लगा दी कि आप नॉर्दर्न एरियाज में नहीं जाएंगे। इमरान खान साहब उस उसूल को तोड़ते हुए खुद नथिया गली चले गए गवर्नर हाउस में, कौन को कहा कि आप शिमाली इलाका जात नहीं जाएंगे, सैर नहीं करेंगे। खुद इमरान खान बतौर वजीर मार्च चले गए, किसी ने सवाल नहीं किया। यहां पे वहां एक मामूली सी गलती के ऊपर इतनी बड़ी ताकत के वजीर आजम को उन्होंने नाको चने चबा, उसने बड़ी कोशिश की और अपनी पार्टी वो मुसलसल पिछले 5-6 माह से रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज उन्होंने उसको ऐसी धूल चटाई कि जिस दरवाजे से वो दाखिल हुआ था इक्तदार के। आप इस तरह कह रहे हैं हमें उनसे सीखने की जरूरत है, हमने सीखा तो है। अभी इमरान खान साहब की हुकूमत कैसे गई? अपने इत्यादियों ने साथ छोड़ा, अपने ही लोग मुनहरिफ हुए। नहीं, हमारा तो देखे ना, एक तो हमारे आईन में लिखी हुई है ये बात कि आप मुनहरिफ नहीं हो सकते, हमारे आईन में लिखा हुआ है। वो गलत है या सही, बिल्कुल अलग बहस है। उनके आईन में ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई, हमारे आईन में लिखा हुआ है तो आप मुनहरिफ नहीं हो सकते। एक दूसरा, हमारे पॉलिटिकल मटेरियल में और उनके पॉलिटिकल मटेरियल में जमीन आसमान का फर्क है यार। ये बहुत कंटेमिनेटेड पॉलिटिकल मटेरियल है, बहुत गंदा पॉलिटिकल मटेरियल है, इसका मवाजना ना करें उनके साथ। वो अगर बोरिस जॉनसन की अपनी पार्टी के लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए, या उसके खिलाफ जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई, उसके अपने लोगों ने उसके खिलाफ वोट किया, तो वो बिके नहीं। हमारे यहां बिक जाते हैं लोग, हमारे यहां वेस्टेड इंटरेस्ट है लोगों के, हमारे यहां जमीर की सौदागरी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा पॉलिटिकल मटेरियल बहुत पोल्यूटेड है, हम बहसियत कौम अभी उस अखलाकी अख्तार तक नहीं पहुंच पाए, अखलाकी मयार तक। लगारी साहब, यही तो मसला है। लगारी साहब, आप भी ये समझते हैं कि कम से कम वहां पर उन्होंने 50 लोगों ने, अरकीन ने, यानी साथ छोड़ दिया, मुस्ताफी हो गए, लेकिन यही कि दूसरी पार्टी को जाकर ज्वाइन कर लिया हो, तो वहां वजीर आजम जो है दबाव में आ रहा है, सारा कुछ हो रहा है, तो हमें ये समझना होगा कि अगर कोई मुल्क तरक्की करता है तो वहां पर उनकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी भी नजर आती है। वो भी निकालते हैं, वो भी वजीर आजम के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन थोड़ा मेयार और है।
वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट नहीं, वहाँ के सियासी कवानीन और सियासी जाब्ते और सियासी रिवायात कायम नहीं करती है, ना वो इस्टेब्लिशमेंट जो है ऐसा करती है कि जनाब इस पार्टी को उठाकर वहाँ लगा दें, उस पार्टी को उससे निकाल कर उसके साथ लगा दें, उस पार्टी को निकाल कर किसी और पार्टी के साथ बांध दें। ये काम इस्टेब्लिशमेंट का करने का नहीं है वहाँ पर, ना वो करते हैं ऐसा, ना वो कर सकते हैं ऐसा, ना उनका इतना बड़ा हुजूम है। जो दुनिया सारी पर राज करते थे, अब उनकी अपनी फौज की तादाद जो है वो 80,000 से भी कम हो गई है, और वो एक वक्त ऐसा था कि वो सुपर पावर थी और उसका सूरज ग़ुरूब नहीं होता था, लेकिन वो रिवायात के साथ हैं। बरतानिया अब भी बड़ा मुल्क है, मुख्तसर से जुग्राफिया के साथ अब भी बड़ा मुल्क है, और अब भी उसके पास उसकी अकदार बहुत बड़ी हैं। ये सही कहा है अमीर अब्बास साहब ने कि हमें उसको फॉलो करना चाहिए, हमें उससे सीखना चाहिए, लेकिन इस हमारे मुल्क के अंदर जो मुसीबत है वो ये है कि सियासत मैनिपुलेट की जाती है। ये कौन से सियासतदान हैं हमारे मुल्क के अंदर? कितने बड़े आला अखलाक के मालिक हैं, कितने बड़े आला अकदार के मालिक हैं? ये तो बेचारे वहाँ खड़े होते हैं दरवाजे के ऊपर के इशारा मिले तो हम फिर आगे बढ़ें, और ये करते रहें। इमरान खान ने किया, उस नवाज शरीफ ने किया, जरदारी साहब ने किया, सब ने किया, कोई कौन है जिसने नहीं किया है? कौन सा ऐसा सियासतदान है जो इस्टेब्लिशमेंट के अंदाज को, इस्टेब्लिशमेंट के रवियों को, इस्टेब्लिशमेंट को देख कर को फैसला ना करता हो या डिक्टेशन पर फैसला ना करता हो? हमारे यहाँ तो डिक्टेटेड पॉलिटिशियन है ना, पॉलिटिक्स है ना, जो हमारी सियासत जो है वो तो बहुत ज़्यादा गंदी ख़राब हो चुकी है, इसलिए कि 70-75 साल में तो सियासत करने नहीं दी गई, और सियासतदान जो भी आबरूमंद आता था उसको करने नहीं दी गई, आने नहीं दिया गया ना। कहाँ है सोहरावर्दी? उठाकर बैरूत के किसी होटल में मार दिया गया था। कहाँ है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो? आपने फांसी पर चढ़ा दिया। कहाँ है आपके ऐसे बावकार सियासतदान जिनको आपने जिंदा छोड़ा हो? आखिरी वक्त आई बेनज़ीर उनको हवा में उड़ा दिया गया। ये मुल्क है। अगर ऐसे मुल्क में आप फैसला करना चाहें कि हम तलाश करें कि बड़े विजन के, बड़े इज्जत के, बड़े वक़ार के, बड़े लोग हमारे सामने आएंगे तो कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे? इसलिए कि उनको उठने नहीं दिया जाता। वो अगर थोड़ा सा कद ऊपर हो तो कद काट दिया जाता है, उनकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी जाती है। नहीं, आप चढ़ा सकते ऐसे इकदार नहीं परवान चढ़ा सकते। फिर ये रिजिस्ट कहाँ करते हैं ये लोग? ये इन्होंने कभी मुज़ाहमत की है? कभी इक्तदार के बगैर रहे हैं? इक्तदार के समंदर में गोता जन अगर ये सियासतदान ना हो तो रह नहीं सकते हैं। ये वो मछलियाँ हैं जो पानी के बगैर मर जाती हैं, और पानी के अंदर करप्शन होना चाहिए, गलाजत, गंदगी सब कुछ होना चाहिए, उसके अंदर रह सकते हैं, उसके बगैर नहीं रह सकते हैं। हर तरह के पोल्यूटेड पानी के अंदर रहने के आदि हमारे मुल्क में राज करेंगे तो यही होगा। और पोल्यूशन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट फैलाती है, वो फैलाई उसने। और पता नहीं हम इस चीज़ से सीख भी रहे नहीं, जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं, मारे मारे फिर रहे हैं कि जनाब कोई हमारी मदद कर दे, वो IMF जनाब जो कह रहे हैं हम मानते हैं, हमें बुरान से बचा लें, हम डिफ़ॉल्ट से बचें। 75 साल में देखिए कहाँ पर हम आ गए हैं, और इसमें सभी हम सब जिम्मेदार हैं, कहीं ना कहीं हम सब की गलतियाँ हैं, लेकिन कहीं से सुधार तो शुरू हो। दुख इस बात का है कि हमें वहाँ बेहतरी भी नज़र नहीं आती कि हम उस तरफ चल पड़े हों। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।